दोस्तों आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक्जोरा का जो प्लांट है उससे आप हैवी फ्लावरिंग किस तरह से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये प्लांट है बहुत ज्यादा इसमें फूल है, मतलब आप बंचेस गिन नहीं पाओगे। और प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 3 से 3.5 फीट इसकी हाइट है और जो है 10 इंच के सिर्फ गमले में लगा हुआ है, कोई बहुत बड़े गमले में भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन आप फ्लावर देखिए कितने सारे बंचेस आए हुए हैं। तो इसकी जो है आज मैं नॉर्मल केयर बताने वाली हूँ। नॉर्मल केयर इसलिए क्योंकि मैंने इससे हैवी फ्लावरिंग किस तरह से लेना है उसका वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, कंप्लीट केयर, अगर आप बहुत ज्यादा इस तरह से फूल लेना चाहते हैं। लेकिन एक होता है ना, जैसे मंथ में हम लोग अपने प्लांट की किस तरह से केयर करते हैं, नॉर्मल केयर जो होता है वो क्या हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, तो वो बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक होता है जैसे हैवी फीड हम लोग हमारे प्लांट में देते हैं जब हमारे प्लांट को हैवी फीड की जरूरत होती है। जैसे आपने अपने प्लांट को न्यूट्रिशंस उस समय देना होता है जब आपके प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे, तब आपको एक हैवी फीड देना होता है। उसमें बोन मील हो गया, हॉर्न मील हो गया, नीम की खली हो गया, सरसों की खली हो गया, यहाँ तक कि माइक्रो न्यूट्रिशंस हो गया, ये सारी चीजें देते हैं जो स्लो में फर्टिलाइजर होता है हमारे प्लांट को। तो वो चीजें हम लोग देकर अपने प्लांट को जो सॉइल है उसको रिच बनाते हैं ताकि हमारा प्लांट जो है फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए। उसके साथ हम पोटाश भी देते हैं ताकि जो है जल्दी से कलियां बनने लगे। लेकिन ये सब चीजें तो होती है जब हम हमारे प्लांट को हैवी फीड उस समय देते हैं जब हमको बहुत सारे फ्लावर लेने होते हैं एक साथ, तो वो तो हम देते ही है। लेकिन मैं अपने प्लांट में जो है महीने में 2 बार नॉर्मल खाद देती हूँ, लेकिन जिस महीने में हैवी फीड देती हूँ उस महीने में ये चीज नहीं देती हूँ। ये चीज आपको नोट करना है कि जब आपने हैवी फीड दिया है उस समय आपको नॉर्मल चीज जो है वो नहीं देना है। लेकिन एक होता है ना, जैसे मेरा ये प्लांट जो हैवी फीड देने के बाद की कंडीशन ऐसी है लेकिन अभी भी इस प्लांट को हल्की फुल्की न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, तो उस समय मैं क्या देती हूँ वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बाकी इसकी केयर टिप्स वगैरह मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ काफी बार शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि समर का प्लांट है तो सन लविंग प्लांट है। लेकिन आप जो है इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ बहुत ज्यादा धूप ना लगे। वैसे अभी रेनी सीजन है तो अगर आप धूप में भी रख रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं ज्यादा जब टेम्परेचर हाई होता है तब की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐसी जगह रखिए जहाँ मॉर्निंग की धूप आए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह पर मत रखिए, नहीं तो आपका जो कलिया बनती भी है ना तो सूखने लग जाती है। दूसरी चीज, लीव्स जो है वो बहुत ज्यादा येलो होने लग जाती है और जो है मोटे होने लग जाते हैं, प्लांट की कंडीशन काफी खराब हो जाती है टेम्परेचर हाई होता है तब। पानी आप इसको नॉर्मल जैसे सभी प्लांट में देते हैं वैसे दीजिए। रेनी सीजन में अगर आप पानी दे रहे हैं तो आप जो है मिट्टी चेक करके दीजिए क्योंकि अभी रेनी सीजन तो है लेकिन टेम्परेचर भी काफी ज्यादा रहता है, जब बारिश होती है तब कम रहता है। ये चीज आप थोड़ा सा देख कर अपने प्लांट को पानी दीजिए। इंसेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है मेरे प्लांट में। मैं इस प्लांट को जो है 3 साल से मेरा ये प्लांट मेरे पास है लेकिन अभी भी मैंने कभी इसमें कोई इंसेक्ट नहीं देखा है। ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि मैं मंथ में 2 बार इंसेक्टिसाइड जरूर यूज करती हूँ। फंगिसाइड का भी आपको ध्यान रखना है, फंगिसाइड भी आपको जो है मंथ में सॉइल में 1 बार और जो है आपको प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है मंथ में 2 बार। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ अगर आप बिगनर्स है और अपने प्लांट से फ्लावर नहीं ले पा रहे हैं तो जरूर से मेरा वो पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें कंप्लीट केयर दिखाया हुआ है। तो इसके बाद आते हैं कि नॉर्मल केयर क्या होती है। एक प्लांट को 17 तरह के न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है और उसके अंदर जो हैवी फीड होता है जैसे मैंने पहले ही बोला, बोन मील हो गया, हॉर्न मील हो गया, सरसों की खली हो गया। सरसों की खली आप जो है महीने में हर महीने दे सकते हैं, 1 बार या 2 बार भी दे सकते हैं अगर लिक्विड में दे रहे हैं आप, लेकिन अगर आप डायरेक्ट दे रहे हैं सरसों की खली तो 1 बार बहुत है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल खाद की बात करूँ तो नॉर्मल खाद में होता है जैसे हम लोग NPK देते हैं और DAP देते हैं, उसके साथ हम माइक्रो न्यूट्रिशंस भी
काफी बार देते हैं, मंथ में एक बार। ये चीजें, तीन चीजें जो है मैं अपने प्लांट में हर महीने देती हूँ। और उसके साथ में अगर प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं आ रहा है तो पोटाश भी यूज होता है, और उसके साथ एप्सम सॉल्ट भी होता है यूज। काफी बार SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट भी होता है। तो ये पांच तरह की खाद है जो यूज में लेती हूँ। लेकिन नॉर्मल खाद के अंदर मैं जो है NPK 20-20-20 हो गया या 19-19-19 हो गया, ये देती हूँ। तो आज जो ये अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, मैं अपने प्लांट को न्यूट्रिशंस दे रही थी, तब मैंने सोचा इसका बताऊं आपको भी। तो यहाँ पर जो है NPK जो 20-20-20 ग्रैनुलर फॉर्म में है। अगर आपके पास वाटर सोल्युबल है तो आप जो है हाफ चम्मच जितना घोलकर भी दे सकते हैं पानी के साथ मिक्स करके, या नॉर्मली मैं इस तरह से देती हूँ। मेरा प्लांट काफी हैवी फ्लावरिंग पर है इसलिए मैंने इसमें पूरा एक चम्मच भर के दिया है 10 इंच के गमले के लिए। अगर आपका प्लांट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है या इतने ज्यादा फ्लावर नहीं है तो आप जो है खाद की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक चम्मच दिया है तो आप जो है हाफ चम्मच भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज खाद के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे आज आपने NPK 19-19-19 या जैसे मैंने यहाँ 20-20-20 दिया है, तो आपको 15 दिन बाद में DAP के जो है कुछ दाने देने हैं। अगर इसको क्लियर फॉर्म में बताऊं तो जितने इंच का गमला है उतने दाने आप जो है अपने प्लांट के सॉइल में दे दीजिए। ये दो चीजें तो हमें अपने प्लांट में देनी ही है। इसके साथ में आप जो है DAP के साथ में माइक्रो न्यूट्रिशंस भी दे सकते हैं, या आप NPK के साथ भी माइक्रो न्यूट्रिशंस दे सकते हैं, पर महीने में सिर्फ एक बार ही देना है। अगर आपका प्लांट फ्लावर स्टेज पर नहीं आ रहा है तो आप जो है पोटाश भी दे सकते हैं। आपका प्लांट अगर 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप जो है एक चम्मच से थोड़ा कम यानी 2 ग्राम जितना दे सकते हैं। ये चीजें आपको हर महीने अपने प्लांट में एक बार देनी होती है। लेकिन कुछ एक चीजें जैसे होती है SSP भी आप जो है महीने में एक बार दे सकते हैं अपने प्लांट में, अगर फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। उसके साथ एप्सम सॉल्ट भी आप दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आप दे सकते हैं अपने प्लांट में। लेकिन दोस्तों जो हैवी फूड होता है, जैसे बोन मील हो गया, हॉर्न मील हो गया, या नीम की खली हो गई, ये जितने भी खाद है ये आपको हर महीने नहीं देना है। इसमें आपको कम से कम जैसे बोन मील हो गया या हॉर्न मील हो गया, ये आप जो है 3 महीने 2.5 महीने के बाद दे सकते हैं। और नीम की खली तो आपको जो है कम से कम 6 महीने का आप गैप रख सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि नीम की खली हमारे प्लांट को सॉइल में जो इंसेक्ट है उससे बचाता है। तो जब आपको दिखे कि आपके सॉइल में इंसेक्ट वगैरह दिख रहा है तब आप जो है 3-4 चम्मच जो है मिक्स कर दीजिए। और बाकी जब हम लोग पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो उस समय तो मिक्स करते ही हैं, तो इसीलिए हमारे जो सॉइल है उसमें इंसेक्ट लगता भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी प्लांट इसी तरीके से फ्लावर देगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।